आतिशबाजियां छूटेंगी क्योंकि आमने सामने चिर प्रतिद्वंदी द ग्रेटेस्ट राइवलरी इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. So there you go, that's the news from the center. It is India who won the toss and they've decided to bowl first. Mohammad Rizwan, 30 varshiya, ICC T20 antarrashtriya rankings mein number 1 par hai. Unke saath Babar Azam, Pakistan ke kaptan, Bhuvneshwar Kumar ke haath mein hai gend. Play and miss. ये करीबी मामला है, उंगली खड़ी हुई है अर्शदीप. पहली गेंद विश्व कप की सामने पाकिस्तान का कप्तान. Right, I have pitching in line and wickets hitting. You can stay with your original decision of out. आज दीप अर्श पर है. बाबर का थर्ड गोल्डन डा. यहां मिल जाएंगे रन्स. ये सोच खराब नहीं थी लेकिन चौके के साथ ओवर समाप्त. चौक बॉल पीछे फील्डर. इस बार अर्शदीप एक बार फिर. पहले गए बाबर अब गए रिजवान. ये इस टीम की जान है लेकिन अर्शदीप दीप चमका वन मोर टाइम. दूसरा विकेट चटकाया भारत के लिए रिजवान के रूप में जिन्होंने बनाए 4 पाकिस्तान 15-2. शॉर्ट गेंद बल्ले पे गेंद अच्छी आई और यहां पे एक और चौका पाकिस्तान का. बाउंस सिर्फ विकेट में नहीं वो बगल वाली विकेट्स में भी था और गेंद निकली चौके के लिए. फाइनल का फील्डर थोड़ा स्क्वायर था मोहम्मद शमी. शॉट है 4 मिलेंगे. देखिए ऊंचाई तो बहुत है लंबाई भी बहुत है. इफ्तिखार देखिए ऊंचाई तो इसमें भी बहुत है लेकिन लंबाई कितनी है उसमें भी है जनाब. ये भी बहुत ऊपर गई है. ओ गगनचुंबी गेंद को तारा बनाने वाली. एक बार फिर मारा है लेकिन इस बार कहां गई अगेन. अटेम्प्ट कमाल की थी केएल राहुल की लेकिन शॉट ये लाजवाब था. ये चौथा छक्का है पिछली 6 गेंदों में. रविचंद्रन अश्विन इस दुक्के के साथ. दुक्का नहीं एक्चुअली तिक्का था. 3 रन यहां पे बटोर लिए है. दूसरा T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक इफ्तिखार अहमद के बल्ले से. एक बार फिर यहां बल्ला नहीं यहां सिर्फ हल्ला है. पहली गेंद अच्छे ठिकाने में दिखी उस रिदम को बैकअप किया मोहम्मद शमी ने. खत्म की है इफ्तिखार की पारी. पाकिस्तान की थोड़ी वापसी करा के गए इफ्तिखार अहमद. 51 बनाए 91-3. बहुत खूबसूरत शॉट. थोड़ी सी ओवर पिच टाइमिंग पूरे टाइमिंग के रन्स. नीचे फील्डर समय बहुत लगेगा लेकिन सूर्य कुमार यादव की आंखें जमी हुई थी. 1 brings 2. पाकिस्तान की एक और विकेट 96-4. हैदर अली आए 6 पे. एक और फील्डर इंटरेस्टेड. क्यों नहीं 2 कैचेस सूर्य के लिए इस ओवर में. 2 विकेट हार्दिक पांड्या के लिए. हर एक भारतीय इस समय उत्साहित. मैच को कंट्रोल कर रही है इंडिया. हैदर अली डेंजरस प्लेयर है. 2 रन करके आउट हो गया 98-5. क्या यहां पे कौन सफलता. जी हां अर्शदीप सिंह लाजवाब गेंदबाजी. नई गेंद के साथ विकेट और पुरानी गेंद के साथ भी चलता किया उनके इन्फोर्सर को पाकिस्तान के इन्फोर्सर आसिफ अली को. और ये लगा है हिट और वो भी लंबा. और इस बार चौका डाउन द ग्राउंड
शाहीन अफरीदी स्ट्राइक पे घुमाया लेकिन अच्छी गेंद और साथ ही विकेट भी जोर से घुमाया था लेकिन पेस से किया बीच भुवनेश्वर ने। एक अच्छी पारी खेली अफरीदी ने 16 रनों की सिर्फ 8 गेंदों में 151 पे 8। भारत को जीत के लिए चाहिए 160 रन 8 रन प्रति ओवर के रन रेट से। केएल राहुल रोहित शर्मा पिछली बार जब विश्व कप में दोनों टीम्स भिड़ी थी तो दोनों ओपनर्स को शाहीन ने आउट किया था। पहली गेंद फुल गेंद हाफ अ चांस फुल टॉस गेंद यहां बिल्कुल थोड़ा सा आगे गेंद गिरते हुए बाहरी किनारों पकड़ लिया कैच और इसके साथ भारत के दोनों ओपनर्स पहले राहुल अब रोहित पहले नसीम अब हारिस 10-2 है भारत। सूर्य कुमार यादव 4 पर आए हैं। What a shot, Surya Kumar. आपकी चलने नहीं देंगे ये इनकी मनमानी है। गेंदबाज की तारीफ हारिस रॉफ खौफ एक्सप्रेस बुलाते हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इस विकेट की अहमियत जानता है पाकिस्तान। बड़ा विकेट सूर्य कुमार यादव 26-3। अक्षर पटेल नंबर 5 दो ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। तीसरा ओवर है ये बड़ा ओवर होना चाहिए और शुरुआत छक्के के साथ ये शॉट लगाया है विंटेज विराट। हार्दिक फिलहाल स्ट्राइक पे घुमाया है बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं लेकिन फिर भी ताकतवर शॉट क्या कमाल का ये ओवर 20 रन ओवर से आए। ये गजब गजब व्हाट अ शॉट विराट कोहली का विराट शॉट। अब ये कितनी दूर गई है गेंद ये भी क्या स्टैंड्स में है ये भी दर्शकों में जी हां एक बार फिर दर्शकों को किया है फील्डर में तब्दील 6 गेंदों में 16 रन। देखिए हारिस रॉफ इस समय पाकिस्तान में कोहली का खौफ। कनेक्शन सही नहीं है नीचे आप फील्डर मौजूद है और कैच पकड़ भी लेंगे और समस्या यह है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो सकती है नए नियमों के अनुसार। दिनेश कार्तिक जब बैटिंग करने आएंगे तो उनको स्ट्राइक लेनी होगी। 5 गेंदों में अभी भी 16 रन चाहिए। कमाल किए इनिंग 40 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। 20वें ओवर में दिनेश कार्तिक 2022 में T20 231 रन। यहां पे दो भागने होंगे दिनेश कार्तिक वापस आना होगा। अगर डायरेक्ट होती तो काम तमाम होता लेकिन अब 3 में चाहिए 13 फुल टॉस गेंद लेकिन ये बहुत बड़ा मैदान है और ये छह है नो बॉल की मांग है मिलेगी या नहीं वी डोंट नो लेकिन 2 में 7 है। इनसाइड आउट ओवर का बस स्वीप मारने का प्रयास और ये विकेट गवा दिया है। Keep that rolling through, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. I'm ready with my decision for the big screen. आउट करा दिए गए हैं। एक गेंद पे अब 2 रन चाहिए। रविचंद्रन अश्विन। एक गेंद, एक रन। रविचंद्रन अश्विन। मोहम्मद नवाज राउंड द स्टंप्स। शॉट, शॉट करा। इंडिया विन। रविचंद्रन अश्विन। एक गेंद पे एक रन मार दिया सामने चौका। अपने बल्ले से यहां इतिहास लिखा है कोहली ने वो बल्ले से जीत का पैगाम लिखा है। कमाल किया है। एक ऐसा मुकाबला जहां भारत 31-4 था आज से जीत तक पहुंचना। ये चेज मास्टर है ये मॉडर्न मास्टर है।